हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विश्वासम। विश्वासम फिल्म की रिगार्डिंग मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, साथ ही मैं फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनतारा निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी, जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुकू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में हैं और रोबो शंकर मेरिट के रूप में हैं। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता, ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकर्षण नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर
सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सी में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनतारा निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी, जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म
मोरोजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकांशन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनतारा निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं
मतलब 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकांशन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर
महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजित कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप में साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकांशन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजित कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्यज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी
इम्मान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप में साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकर्षण नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125
करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी, जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकांशन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में
भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सी में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी, जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ
मनोता तारम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकांशन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को
चित्रित किया एक अभिनेता के रूप में। यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकांशन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसा
रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप में साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकर्षण नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी
और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम, वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में हैं और रोबो शंकर मेरिट के रूप में हैं। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकर्षण नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की
का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी, जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था।
तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनतारा निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था।
तो बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था।
डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप में साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकांशन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और
अनिकम, सुरेंद्रन, श्वेतम, डुकु, दुरेन और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में हैं और रोबो शंकर मेरिट के रूप में हैं। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप में साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकर्षण नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है।
फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबूहेन, सत्यज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनतारा निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम, वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन, श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता, ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकर्षण नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सीज में 7 करोड़।
से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रह किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रह किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी, जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था।
फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनतारा निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था।
यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकर्षण नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच
सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप में साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकांशन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और
नयनताराम निरंजना के रूप में, थुक्कु दुरई की पत्नी, जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में, थुक्कु दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन, श्वेता डुकु दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में हैं और रोबो शंकर मेरिट के रूप में हैं। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजित कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजित कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप में साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकर्षण नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में
43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी, जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकर्षण नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो फिल्म ने तमिलनाडु
तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी, जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी।
तो बात करें मूवी के रिलीज थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकांशन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनतारा निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो
प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकार सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की
अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजित कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप में साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकर्षण नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजित कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी
इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में हैं और रोबो शंकर मेरिट के रूप में हैं। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप में साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकांशन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़
की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी, जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता, ताराम सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकर्षण नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और
25 सितंबर 2022 को गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सी में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। विश्वासम शिव द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगदीप बाबू है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो डुक्कू दुरई के रूप में हैं अजीत कुमार और नयनताराम निरंजना के रूप में हैं थुक्कू दुरई की पत्नी, जगदीप बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रतिद्वंदी और अनिका सुरेंद्रन श्वेता डुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में हैं और केशवनी के रूप में विवेक है। थम्बी रमैया रोसामणि के रूप में है और रोबो शंकर मेरिट के रूप में है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अजीत कुमार की अगली परियोजना पर महीनों की अटकलों के बाद नवंबर 2017 के अंत में शूटिंग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में के माध्यम से सत्य ज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जिसने अजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले सहयोग को चित्रित किया। एक अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की 100 फिल्म होंगी। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लपेटना गया था और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के म्यूज़िक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है और जो अजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मनोता
तारान सुतारिया और रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए पृष्ठभूमि संगीत की प्रतिलिपि बनाई गई थी। तो बात करें मूवी के रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो विश्वासम को रजनीकांत अभिनेता पेट्टा के रूप साथ थाई गोपाल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जग मल्ला के रूप में डब किया गया था। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। सैटेलाइट के अधिकांशन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 सितंबर 2022 को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया था। तो बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़ और कर्नाटक में 1.5 करोड़, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया था और सीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 33.50 करोड़ की का संग्रहण किया था। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का संग्रहण किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ बाद में 200 करोड़ से लगभग 125 करोड़ की कमाई तमिलनाडु से और 70 करोड़ से की कमाई की थी। और आजीवन इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 43 दिनों में 75 करोड़ की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड प्रीमियम पर इसने 200 करोड़ पार के लिए थे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।